नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पूर्व ऑनलाइन क्लास में हमने जो आभासी या छद्म बल है उसके बारे में अध्ययन किया था, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अगर A0 त्वरण से कोई निर्देश तंत्र त्वरित हो तो उसमें एक आभासी बल कार्य करता है, जिसे कि हम श्यूडो या फिक्टिटियस फोर्स, आभासी या छद्म बल कहते हैं। और इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र का। चूंकि जो घूर्णी निर्देश तंत्र हैं ये अजड़त्वीय प्रकृति के होते हैं, और इस कारण हमें ये जानना आवश्यक है कि घूर्णी तंत्र जो निर्देश तंत्र हैं उनमें किस प्रकार जो आभासी और छद्म बल है वो किसी कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसके अध्ययन के लिए माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में किसी कण P के जो निर्देशांक हैं, दो निर्देश तंत्र मान लीजिए आपको दिए हुए हैं S और S डैश, और मान लीजिए जो S डैश तंत्र है वो S के सापेक्ष किसी नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। माना कि जो स्थिर निर्देश तंत्र S है उसमें किसी कण P के निर्देशांक x, y, z हैं तथा अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश i, j, k हैं। अतः जो P का स्थिति सदिश है वो होगा वेक्टर OP इक्वल्स टू वेक्टर R इक्वल्स टू ix प्लस jy प्लस kz। जैसा कि ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, ये एस तंत्र है जिसके कि एक्सिस एक्स वाई जेड हैं, ये एस डैश तंत्र है जिसके कि एक्सिस एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश हैं। और मान लीजिए जो एस डैश तंत्र है वो एस के रेस्पेक्ट में किसी कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। और ये मान लीजिए कोई कण पी दिया हुआ है जिसका कि एस जिसके कि एस में निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, और एस डैश में मान लीजिए इसके जो निर्देशांक हैं वो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश हैं। अब यदि एक अन्य निर्देश तंत्र R जो प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर S निर्देश तंत्र के संपातित है, और इस R के सापेक्ष ये अगर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है, तो किसी समय t पर जो रोटेटिंग फ्रेम है R तंत्र, ये थीटा इक्वल्स टू ओमेगा t कोण से घूम जाता है, और इस स्थिति में जो कण पी है उसके जो प्रेक्षित निर्देशांक होंगे वो होंगे एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। इस कारण से आर तंत्र में कण पी का जो स्थिति सदिश है वो होगा वेक्टर ओ पी इक्वस टू वेक्टर आर डैश इक्वस टू आई डैश एक्स डैश प्लस जे डैश वाई डैश प्लस के डैश जेड डैश। चूँकि निर्देश तंत्र आर की दिशा बदल रही है, इसलिए जो अक्षों के अनुदिश यूनिट वैक्टर्स हैं आई जे के, इनकी भी दिशा बदल जाएगी, और इसलिए हम ये मान रहे हैं कि समय टी पर आर तंत्र के जो एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश है उसका मान आई डैश है, जो वाई डैश एक्सिस है उसके अनुदिश एकांक सदिश जे डैश है, और जो जेड डैश एक्सिस है उसके अनुदिश जो एकांक सदिश है वो के डैश है। चूँकि कण पी स्थिर अवस्था में है, इसलिए इस कण पी की जो नियत स्थिति है उसके लिए हम जो निर्देशांक रूपांतरण है उनके अनुसार कह सकते हैं कि R इक्वल्स टू R डैश होगा। इसलिए R डैश का मान जैसा कि पहले हम लिख चुके हैं, ये I डैश X डैश प्लस J डैश Y डैश प्लस K डैश Z डैश के बराबर है, इसलिए वेक्टर R इक्वल्स टू I डैश X डैश प्लस J डैश Y डैश प्लस K डैश Z डैश होगा। और ये जो समीकरण है ये घूर्णी निर्देश तंत्र में जो स्थिति सदिश है उसका रूपांतरण समीकरण कहलाता है। अब यदि हमें वेग का रूपांतरण ज्ञात करना हो तो इस स्थिति सदिश का जो रूपांतरण हमने अभी किया है इसको समय टी के सापेक्ष अवकलित करना होगा, इसलिए dr अपॉन dt बराबर i डैश dx डैश अपॉन dt प्लस j डैश dy डैश अपॉन dt प्लस k डैश dz डैश अपॉन dt प्लस एक्स डैश डी आई डैश अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश अपॉन डी टी। चूँकि घूर्णित निर्देश तंत्र में जो यूनिट वेक्टर हैं
और जो पार्टिकल पी के जो निर्देशांक हैं वो दोनों परिवर्तन समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए हमें एक्स जो निर्देशांक हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश और जो यूनिट वेक्टर्स आई डैश जे डैश के डैश दोनों का ही टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यदि हम एस निर्देश तंत्र एस के ऑपरेटर डी बाई डी टी को आर तंत्र में डी डैश बाई डी टी से व्यक्त करें तो आर तंत्र में जो कण का वेग है वी डैश, इसको हम लिख सकते हैं डी डैश बाई डी टी आर डैश बराबर, चूंकि आर डैश बराबर आर है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं डी डैश आर अपॉन डी टी बराबर, इसका जो मान है वो होगा आई डैश डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस के डैश डी जेड डैश अपॉन डी टी। तथा एस निर्देश तंत्र में अगर हम ऑपरेटर को डी वाई डी टी से रिप्रेजेंट करें तो एस निर्देश तंत्र में जो कण का वेग है वी, इसका जो मान है वो होगा डी बाई डी टी आर, और आर का जो मान है वो हमें मालूम है आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड है, इसलिए वी इक्वस टू डी आर अपॉन डी टी बराबर आई डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे डी वाई अपॉन डी टी प्लस के डी जेड अपॉन डी टी। और अब जो वी डैश का मान हमें ज्ञात करना है उसमें चूंकि दो प्रकार की राशियां आ रही हैं, एक जो निर्देशांकों का समय के सापेक्ष रूपांतर अवकलन है और दूसरा यूनिट वेक्टर्स का समय के सापेक्ष अवकलन है, इसलिए इन यूनिट वेक्टर्स का समय के सापेक्ष अवकलन यानी डी आई डैश अपॉन डी टी डी जे डैश अपॉन डी टी और डी के डैश अपॉन डी टी का मान ज्ञात करने के लिए हम किसी एक एकांक परिमाण के जनरल सदिश कैपिटल आर को काम में लेते हैं जो कि आई डैश जे डैश व के डैश के समान नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है, इसलिए हम वी के लिए लिख सकते हैं वेलोसिटी, जैसा कि आपने पूर्व की जो सीनियर कक्षाएं उसमें पढ़ा है वी इक्वस टू ओमेगा आर होता है, इसलिए हम कैपिटल वी इक्वस टू ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं, और चूंकि वी वेलोसिटी है इसलिए वेक्टर आर की फॉर्म में इस वेलोसिटी वी का मान होगा डी आर अपॉन डी टी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। अब यदि हम आर एकांक सदिश को आई डैश जे डैश व के डैश अलग अलग इन यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर दें प्रतिस्थापित कर दें तो हम पाएंगे कि डी आई डैश अपॉन डी टी का मान होगा ओमेगा क्रॉस आई डैश, डी जे डैश अपॉन डी टी का मान होगा ओमेगा क्रॉस जे डैश, तथा डी के डैश अपॉन डी टी का मान होगा ओमेगा क्रॉस के डैश। इसलिए ये डी आई डैश अपॉन डी टी डी जे डैश अपॉन डी टी और डी के डैश अपॉन डी टी इनके मान अगर हम चार में रख दें तो हम पाएंगे कि जो वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी है इसका मान होगा डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आई डैश एक्स डैश प्लस जे डैश वाई डैश प्लस के डैश जेड डैश। और समीकरण तीन के उपयोग से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि आई डैश एक्स डैश प्लस जे डैश वाई डैश प्लस के डैश जेड डैश इसका मान आर के बराबर है, इसलिए ये इक्वेशन रूपांतरित होगी डी आर अपॉन डी टी बराबर डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और चूंकि डी आर अपॉन डी टी ये एस निर्देश तंत्र में कण का वेग है डी डैश आर अपॉन डी टी ये एस डैश या कहें रोटेटिंग फ्रेम आर उसमें कण के वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनको अगर हम क्रमशः वी या और वी डैश से रिप्रेजेंट करें तो हम इस इक्वेशन 9 को लिख सकते हैं वी इक्वस टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और इसलिए वी डैश बराबर वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, और ये जो इक्वेशन है वो घूर्णी निर्देश तंत्र आर में कण के वेग के रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है, इसलिए ये वेग घूर्णी निर्देश तंत्रों में वेग का रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि त्वरण का रूपांतरण किस प्रकार होगा, तो त्वरण का जो रूपांतरण समीकरण है उसे प्राप्त करने के लिए हम इस वेग की जो रूपांतरण समीकरण है इसको काम में ले सकते हैं। इससे पहले हमने एक ये इक्वेशन पढ़ी है डी आर अपॉन डी टी बराबर डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी आर इक्वस टू डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस ब्रैकेट आर, अर्थात जो एस तंत्र का डिफरेंशियल ऑपरेटर डी वाई डी टी है ये आर तंत्र के
डिफरेंशियल ऑपरेटर डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस के बराबर होगा, अर्थात संकारक डी बाई डी टी बराबर डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। निर्देश तंत्र एस में जो कण का त्वरण है उसे ज्ञात करने के लिए उपरोक्त संकारक समीकरण को कण के वेग पर अगर हम प्रयुक्त कर दें, यानी इस ऑपरेटर इक्वेशन को वेलोसिटी पर ऑपरेट कर दें, तो डी बाई डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी, यानी डी आर अपॉन डी टी है वो एस तंत्र में वेलोसिटी है, इसलिए डी वी अपॉन डी टी ये हो गया, डी अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी यानी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, जो कि ए के बराबर है, और बराबर में आ जाएगा चूँकि डी बाई डी टी है वो किसके बराबर है, डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस के बराबर, और डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर है, डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर के बराबर। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम सॉल्व करें तो हम पाएंगे कि ए बराबर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये जो ऊपर ऑपरेटर इक्वेशन हमने लिखी है डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस ब्रैकेट फिर अगेन ब्रैकेट में डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर कंप्लीट ब्रैकेट, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें ये इक्वेशन है वो प्राप्त होती है। चूँकि ओमेगा कॉन्स्टेंट है इसलिए डी ओमेगा अपॉन डी टी का मान जीरो होगा, और इसलिए ये जो उपरोक्त समीकरण है वो रूपांतरित होगी ए बराबर ए डैश प्लस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पर ए डैश बराबर डी डैश स्क्वायर आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर, चूँकि आर डैश बराबर आर है इसलिए डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, जो कि घूर्णी निर्देश तंत्र आर में कण के त्वरण को रिप्रेजेंट करती है। ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी डैश ये कोरियोलिस त्वरण कहलाता है, और ओमेगा क्रॉस आर ये अभिकेंद्रीय या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। इसलिए ये जो उपरोक्त समीकरण नंबर 12 है इसको हम लिख सकते हैं ए डैश बराबर ए माइनस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। और ये जो इक्वेशन है वो दो निर्देश तंत्रों या घूर्णी निर्देश तंत्रों में त्वरण के रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है, और इसलिए इसे हम घूर्णी निर्देश तंत्रों में त्वरण का रूपांतरण समीकरण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बल का रूपांतरण किस प्रकार होगा, तो ये जो त्वरण की रूपांतरण समीकरण है इसको अगर हम द्रव्यमान m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, जहाँ पर m कण का द्रव्यमान है, तो हमें प्राप्त होगा एम ए डैश बराबर एम ए माइनस ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, और इसे हम लिख सकते हैं एफ डैश बराबर एफ माइनस ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। और चूंकि एक्चुअल फोर्स एफ है वो एक्चुअल फोर्स है, और बाकी ये जो दो फैक्टर हमें प्राप्त हो रहे हैं माइनस ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस वी डैश और माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, ये दो एडिशनल फोर्स की टर्म्स हैं जो कि एक्चुअल फोर्स में जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये दोनों जो टर्म्स हैं ये फिक्टिटियस या जो आवासी बल हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, जिसके कि दो भाग होती हैं, एक भाग माइनस ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस वी डैश के बराबर है और दूसरा भाग माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है। इसलिए एफ डैश ये घूर्णी निर्देश तंत्र में घूर्णी निर्देश तंत्र आर में कण पर बल का मान होगा, एफ बराबर एम ए ये स्थिर निर्देश तंत्र एस में कण पर आरोपित बल होगा, और जो आभासी बल के ये जो दो एक्स्ट्रा मान प्राप्त हो रहे हैं उनमें से माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर ये अपकेंद्रीय बल कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, ये बल निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण लगता हुआ था, क्योंकि घूर्णन है वो ओमेगा से रिलेटेड, अगर ओमेगा का मान जीरो है तो इसका मान भी जीरो होगा, और अगर ओमेगा का मान नॉन जीरो है तो इस टर्म का जो मान है वो नॉन जीरो नहीं होगा, यानी जब भी कोई तंत्र है वो घूर्णन गति करेगा उसमें कण पर अवश्य ही ये बल आरोपित होगा, जो कि अपकेंद्रीय बल कहलाता है, और ये एक तरीके से आवासी बल है, वास्तव में ये कण पर लगता हुआ नहीं लगता बल्कि प्रेक्षक को लगता हुआ प्रतीत होता है।
जो आवासी बल उसका जो दूसरा आवासी बल की जो दूसरी टर्म है -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, इसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। ये बल भी आवासी बल होता है जो घूर्णी निर्देश तंत्र आर में कण की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। अगर वी डैश का मान नॉन जीरो है तो इस बल का मान अवश्य ही नॉन जीरो होगा, लेकिन अगर वी डैश का मान जीरो है तो चाहे निर्देश तंत्र है वो घूर्णन गति कर रहा है फिर भी इसका जो मान है वो जीरो होगा। तो ये जो बल है ये कोरियोलिस बल कहलाता है, और ये एक्चुअल में जो कण की वेलोसिटी होती है उसके कारण कण में उत्पन्न होता है। यदि ओमेगा और वी डैश के मध्य कोण थीटा हो तो इस कोरियोलिस बल का मान होगा एफ सी बराबर -2m ओमेगा वी डैश साइन थीटा, क्योंकि ओमेगा क्रॉस वी डैश का मान होगा ओमेगा वी डैश साइन थीटा एन कैप, जहाँ ओमेगा तथा वी डैश के लंबवत जो तल है उसमें एन डैश एक इकाई सदिश होता है। जब ओमेगा तथा वी डैश परस्पर लंबवत होते हैं इनमें कोण का मान थीटा इक्वल्स 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा, उस स्थिति में साइन 90 का मान 1 होगा और जो कोरियोलिस बल है वो अधिकतम होगा। यदि ओमेगा तथा वी डैश पैरेलल हो तो उस स्थिति में थीटा का मान 0 होगा और उस स्थिति में कोरियोलिस बल का मान जो है वो 0 होगा, क्योंकि साइन 0 है इसका मान 0 होता है, इसलिए जो कोरियोलिस बल है वो न्यूनतम होगा और इसका जो मान है वो 0 होगा। यदि कण पर कार्यरत बल का मान वास्तविक बल व आभासी बलों के सदिश योग के तुल्य लिया जाए तो अजड़त्वीय घूर्णी निर्देश तंत्रों में भी पिंड की गति न्यूटन के नियमानुसार ही होगी। इन बलों को भी जड़त्वीय बल कहते हैं क्योंकि ये पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। शर्त शर्त यही है कि दोनों का हमें क्या लेना है, सदिश योग लेना है। अगर हम सदिश योग नहीं ले रहे हैं तो उस स्थिति में ये जो दोनों बल हैं वो अलग अलग होंगे, एक वास्तविक बल होगा एक आभासी बल होगा, और अगर इन दोनों बलों का सदिश योग लिया जाए तो उससे जो परिणामी बल होगा वो एक तरीके से जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र जड़त्वीय बल है उसकी भांति व्यवहार करेगा। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।